गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी आफ्टरनून टाइम हो रहा है और अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं लंच बना रही हूँ तो सोचा कि ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर देते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद सीधा मैं रेस्ट करने लगी थी और ब्लॉग वहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर एक ही बार दोपहर में अभी जस्ट स्टार्ट किया है। सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आज का ब्लॉग कैसा होता है आप लोगों के साथ, मॉर्निंग का मैंने शेयर कर दिया है और अभी का। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। और अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, लंच बना रही हूँ। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों वहाँ काला काला सा लग रहा है। आजकल ऐसा हो गया है मेरे साथ, इसलिए देख सकते हो इसमें तो पक्का लग रहा ज़्यादा मेरे। सो बारिश में मेरा थोड़ा सिर भी भीग गया है ना, जब मैं पूजा करके आ रही थी तो हो जाता है जब सिर में दुखने लगता है ना, तो फिर कुछ और करने का मन भी नहीं करता। सो चलिए अभी तो लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच फटाफट बना लेते हैं। क्या क्या बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज़ अभी लंच का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते के साथ ही मैंने चना रखा था, चना का दाल, उसे पहले तो मैंने पीस लिया है और आज मैं चना के दाल का ही बनाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी, मतलब कढ़ी और चावल पकौड़ी ये सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। और पकौड़ी आपको दिखाऊंगी किस चीज़ का बनाऊंगी। बहुत ही, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दिन के बाद खा रही हूँ, कुछ मतलब करीबन एक डेढ़ महीना हो गया मैं नहीं बनाई हूँ। तो चलिए आपको बनाते हैं और दिखाते हैं। सो मैंने कढ़ी में ना सबसे पहले मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है और थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया था, लहसुन मिर्चा हरा मिर्चा डाल दिया था और पीस लिया है। और यहाँ से मैं कढ़ी पत्ता तोड़ लेती हूँ क्योंकि कढ़ी पत्ता हम बिना डाले ना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग तेज पत्ता भी डाल दें पर मुझे कढ़ी पत्ता का अच्छा लगता है और कढ़ी पत्ता मेरे पास है भी नहीं रहता तो मैं डालती तेज पत्ता। और यहाँ पे ना मैंने अच्छे से पीस लिया था, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के और हल्का सा मिर्चा। और यहाँ पे मैंने पकौड़ी तैयार कर दिया है, रिफाइंड ऑयल में मैंने तैयार किया है पकौड़ी और उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाला और मिक्स किया और फटाफट पकौड़ी मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे अब मैं बना दूँगी कढ़ी। कढ़ी में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है। हल्दी में हो सके तो बाद में भी डालूंगी क्योंकि एक ही बार डालो ना तो फिर कलर ज़्यादा भी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता देखने से। तो मैंने अपने अनुसार नमक डाल दिया है एंड हल्दी भी डाल दिया है। और यहाँ पे इसको मैं छौंक दूंगी। कढ़ी के लिए बहुत सिंपल बनाना होता है, पहले बरी निकाल दो और उसके बाद फिर कढ़ी के लिए थोड़ा सा सरसों ऑयल डाल के, मिर्चा डाल के, मेथी डाल के एंड कढ़ी पत्ता डाल के उसे थोड़ा सा चटकने तक रहने देते हैं और उसके बाद कढ़ी छौंक देते हैं। तो बहुत इजी है कढ़ी बनाना। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं बोलती हूँ ना कि थोड़ा सा मैं नमक और हल्दी ना कम ही डालती हूँ। कढ़ी में ना हल्दी पता ही नहीं चलता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। थोड़ा कम ही डालो, फिर थोड़ा कम लगता है तो थोड़ा सा और मैनेज कर दो तो ऐसे सही रहता है। मेरे साथ होता है, सबके साथ तो नहीं होता होगा ऐसे, या फिर आप लोग बताइएगा होता है या नहीं। तो इधर मैंने कढ़ी बना के रेडी कर लिया था और ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, टाइम लगता है कोई भी चीज़ को बनाने में। और इधर लंच का टाइम भी हो गया था तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी भी थी। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, मिर्चा डाल दिया था और लहसुन डाल दिया था जो कि मैंने पीस लिया, हल्का सा जीरा भी मैंने ऐड कर दिया था और अच्छे से पीस लिया है। और अभी मैं लौका का बना रही हूँ पकौड़ी, बहुत ही अच्छा लगता है। सो लौका को मैंने अच्छे से छील लिया है और इसे फिर मैंने अच्छे से धो भी लिया है और अभी मैं कर देती हूँ कटिंग। और मैं आज बनाने वाली हूँ पकौड़ी, बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लौका ना थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, जो पतला पतला सा होता है उसको और ही अच्छा बनता है, बट मुझे आज बनाना था तो सोचा कि चलिए जो है उसी से बनाते हैं। और हस्बैंड से मंगवाया था एकदम छोटा सा पतला सा लौका का जो बनता है ना, ताज़ा लौका रहता है तो उसका बहुत अच्छा बनता है, तो ये उसी तरह का था। तो चलिए फटाफट रेडी कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने पकौड़ी का बैटर भी तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने गोल गोल शेप मैंने लौकी काट लिया है और मिक्स करना है, बस डालते जाना है और फटाफट इसे थोड़ा मीडियम आंच पे रखना है, फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और
चलिए बनाते हैं एंड सर्व करते हैं। अभी मैंने चावल भी फटाफट साथ ही बना दिया है। फाइनली हमारी लंच रेडी हो चुकी है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहा है। सच में कढ़ी चावल खाओगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी पकौड़ी भी बन रही है और मैंने 2-3 बार बनाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि नहीं बनाया था, ठंडा में ना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। और इधर हस्बैंड आ चुके हैं, तो चलिए अभी लंच वगैरह करा दें हस्बैंड को और फिर खुद भी करते हैं। बाबू अभी सो गया है, तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया था क्योंकि लाइट ऑन रहता है तो बच्चे सो नहीं पाते, तो सोचा कि उठेगा बाबू तो ही खिलाऊंगी, अभी नहीं खिला पाऊंगी। और अभी सोया हुआ है और हस्बैंड के लिए पहले दे देते हैं और गर्मा गर्म। और यहाँ पे ना मैं ढूंढ रही थी कलछुल जो होता है, वो ढूंढते ढूंढते मैं थक गई कि ये कहाँ पे मैं रखी हूँ और नहीं मिला। लास्ट में जब मैंने कढ़ी को ऐसे कटोरी से निकाल लिया ना, तब मुझे दिखाई दिया कि अरे यार यहीं पे रखा हुआ है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कोई चीज़ दिखता है और फिर मतलब वो दिखता भी नहीं है, यहीं पास में ही रहता है, तो ऐसा हो गया था। तो अभी हमारा खाना रेडी हो चुका है और मैं साथ में दही दे दूँगी क्योंकि मैंने दही नहीं डाला है कढ़ी में। कढ़ी में मैं हमेशा दही डालती हूँ बट इस बार अभी नहीं डाला है क्योंकि हस्बैंड बोले थे कि नहीं मुझे दही नहीं डाला, अलग से मैं खाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, अपना अपना पसंद होता है, तो इसीलिए मैंने चीनी डाल के दही में दिया है और अलग से वो खाएंगे, दही नहीं डालना था मुझे, तो मैं अपने में डालूंगी, हस्बैंड के लिए नहीं डालूंगी। सो चलिए फिर चलते हैं, लंच वगैरह करते हैं। हे गाइस, खाना पीना खाना हो गया है हमारा और उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद जस्ट अभी उठे हैं, तो उठने के साथ ही मतलब बर्तन वगैरह धुलना था, मतलब किचन का काम था, झाड़ू पोछा करना था, वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया है और करके अभी जस्ट आ रहे हैं। मोबाइल देखे तो वीडियोस पूरा नहीं हो पाया था, तो सोचा कि आप लोग साथ मतलब इस वीडियो को पूरा कर देते हैं। और आज मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही मन को शांति मिला है सच में। मतलब सावन जो शंकर जी का त्यौहार होता है ना, सबसे सबसे महत्व होता है सावन का। सावन में ना मतलब जो लोग पूजा नहीं भी करते होंगे, बहुत कम ही करते होंगे ना, वो लोग भी सावन में पूजा करते ही करते हैं, जल चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, मतलब ये चीज़ तो होता है। और कुछ होना हो तो और करना भी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है हमारे सिर पर। और आप लोग पूजा किए कि नहीं किए आप लोग बताइएगा। और हर तरफ हर जगह मतलब होता ही है, हम लोग यहाँ पे बंगाल में हैं तो फिर भी बंगाल में भी हर जगह देखने को मिल रहा है कि मतलब जहाँ पे मतलब शंकर जी का, काली जी का मतलब मंदिर है ना, वहाँ पे भीड़ है जैसे डेली से ज़्यादा ही रहता है, तो मतलब हर जगह के लोग। और बाबा धाम तो आजकल सारे लोग ही जाते हैं, सारे लोग बहुत ही मतलब जब देखो कब भगवान बुलाते हैं बाबा धाम उनको जाना है, बहुत ही मन करता है कि मतलब एक हम जब एक बार हम छोटे थे ना तब गए थे, और एक बार जब हम शादी के बाद एक बार गए हैं और एक बार हम बहुत छोटे थे तो गए थे। हाथ दुखने लगा है कि जब बातचीत कर रहे थे, सोचा कि अच्छे से आप लोगों को बताते हैं। तो जब हम बाबा धाम गए हुए थे ना, तो उस टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था, शादी के बाद गए थे, जब हम छोटे में गए थे ना तो उतना हमको पता नहीं चल रहा था कि क्या मतलब कहाँ पे आए हुए हैं, उतना मतलब पता नहीं है, जब मम्मी उम्मी बताती तब भी पता चल पाता है। बट ना जब हम बड़े हुए तो देखे बहुत ही भव्य, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा वहाँ, मतलब सच में भगवान का दर्शन करने को कभी मिले ना, मतलब भगवान चाहेंगे तभी जा पाएंगे, पर मन तो हमारा रहता है कि जाएं। और अभी सावन स्टार्ट हो गया है तो उससे, पर जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे तो मंदिर रहता ही है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे भगवान जहाँ पे भी हैं वहाँ पे चली जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाया है, तो वो तो मैं कल लगाऊँगी या फिर देखती हूँ। अभी मेहंदी जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आसपास दुकान है ना, वहाँ पे मेहंदी ख़त्म हो गया था क्योंकि वो लोग ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आ पाते हैं, ज़्यादा सामान मतलब जो उनके पास था स्टॉक वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं उस दिन नहीं मिल पाया था, सो अफसोस था। बट अब तुरंत के तुरंत तो मार्केट नहीं जा सकते ना, तो एक दो दिन में जाऊँगी फिर लेके आऊँगी। सो
बातचीत तो बहुत हो गया, मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग बताइए कैसा लगता है आपको। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी शाम भी हो गया है तो अभी खाना पीना बनाना है, तो खाना पीना बनाते हैं, देखते हैं ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं या फिर ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। ये क्यों बनाए बेटा? फेविक क्यू है ये, तो मुझे यहाँ फेविक क्यू दिखना है। यहाँ क्या लिखा? लिखे हो फेविक क्यू के यहाँ? तो ये क्या सा फेविक लिखे हो? अच्छा लिखे हो फेविक क्यू बेटा, तुम तो सही लिखे हो। यहाँ फेविक क्यू है? हाँ। तुम देख के लिखे हो ना? तो ठीक है यही लिखो, यहाँ फेविक्यूक लिखा हुआ है बेटा, डब्बे पे फेविक्यूक लिखा था ना। यहाँ एक फेविक्यूक का डब्बा, यहाँ के सबको दिखता नहीं है तो ये... हाँ यहाँ पे अच्छे से लिख दो फेविक्यूक। सी है, सी सी